कवरेज में राव जुलेरू करेंगे। 100 शहर 100 खबर का फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद भी कुशवाहा की बात नहीं बनी। 2 सीटों के ऑफर को भी उन्होंने नकार दिया। कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनडीए में हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्पवास गृह से लड़कियों के फरार होने में महिला गार्ड और सिपाही की लापरवाही सामने आई है, जिसे देखते हुए जांच टीम ने खगड़िया डीएम को रिपोर्ट सौंपी है और महिला गार्ड को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही सिपाही को भी सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी ने निशाना साधा है और कहा है कि गिरिराज सिंह हिंदू नहीं है, एनडीए उनका टेस्ट कराए। नवादा में जगह जगह तेजस्वी के स्वागत के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, लेकिन स्वागत पोस्टर में तेजस्वी यादव के साथ दुष्कर्म का आरोपी राजबल्लभ यादव के दिखने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव का राजबल्लभ यादव के साथ पोस्टर विवाद में अब जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को खुला पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अब असली चेहरा सामने आया है, तेजस्वी यादव अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से शाबुद्दीन को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शाबुद्दीन की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। सीवा में तेजाब डालकर 2 भाइयों की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शाबुद्दीन और उसके 3 सहयोगियों को हाई कोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। कैमूर में शराब पार्टी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि शराब पी रहे सभी शिक्षक हैं, जो कि कैमूर जिले के ही अलग अलग स्कूलों के शिक्षक हैं। सभी शिक्षकों ने मिलकर शराब पार्टी का आयोजन किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है और किस जगह का है, इसका पता नहीं चल पाया है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के बख्तपुर गांव में डकैतों ने बमबारी करते हुए कई घरों में लूटपाट की है। ग्रामीणों ने बताया कि हथियारों से लैस डकैतों ने घर में रखी नगदी और जेवरात लूट लिए हैं और फरार हो गए हैं। डकैतों ने लगभग 7 घरों में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। विक्रम में पिकअप और बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 2 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना पालीगंज के मुड़ाखाड़ गांव की है। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के गुरु बाजार मोहल्ले में एक बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर का ताला तोड़ा और घर में पड़े लाखों के सामान को आराम से उड़ा ले गए। नालंदा में एक शराबी पति की पत्नी ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बिहार थाना क्षेत्र के कुलसुम नगर की है, जहां शराब पीने से मना करने पर शराबी पति ने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 12 कारतूस बरामद किए हैं। दरभंगा में डीएमसीएच अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि डीएमसीएच के शिशु विभाग के एनआईसीयू में अस्पताल कर्मचारी की लापरवाही के चलते 9 दिन के मासूम को चूहों ने कुतर दिया। अररिया में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों और जिला बाल संरक्षण इकाई ने विजिट दस्तक संस्थान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गई। अररिया जिले के जोकीहाट में अपराध की योजना बना रहे अपराधियों को जोकीहाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी हरवा चौक के पास से की गई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूटे हुए मोबाइल और बाइक बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है। आरा जिले के नारायणपुर में एक निजी क्लिनिक में महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और हंगामा करने लगे। गुस्साए लोगों को देखते हुए निजी क्लिनिक के डॉक्टर और कर्मी मौके से फरार हो गए। कटिहार जिले के मनिहारी थाना ब्लॉक के पास स्थित रिटायर्ड शिक्षिका के बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोर 15 लाख से ज्यादा के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। उठाते हुए चोर घर में घुसे थे और चोरी को अंजाम देकर फरार हुए हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शव मनियारी थाना इलाके से मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृत युवक का माधौल इलाके में स्थित एक लाइन होटल में किसी से विवाद हुआ था, जिसके बाद से वो लापता था। लोक आस्था के महापर्व छठ में सुरक्षा को लेकर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि और एसएसपी मनु महाराज ने पटना सिटी का दौरा किया। दोनों ने गायघाट, बद्रघाट और महावीर घाट का भी निरीक्षण किया और छठपतियों के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पटना के शाखा मैदान में एबीवीपी की ओर से चलाए जा रहे मिशन साहसी के अंतिम दिन कई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मकसद छात्राओं को सुरक्षा के प्रति आत्मनिर्भर करना है और इस मिशन के तहत छात्राओं को कई गुण भी सिखाए गए।
मुंगेर में सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन शहरी विषय पर परिचर्चा सह प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बैद्यनाथ बालिका उच्च विद्यालय मुंगेर में किया गया था। भोजपुर जिले के पवना थाना क्षेत्र में एक 12 साल के बच्चे की आहार में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना थाना क्षेत्र के खोपीरा गांव की है। सीएम नीतीश के साथ निश्चय योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाना काम 2 महीने में पहले ही पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार 1 नवंबर को ज्ञान भवन में होने वाले एक समारोह में इसकी घोषणा करेंगे। बता दें कि बिहार देश का 7वां राज्य है जिसका पूरी तरह से विद्युतीकरण हो चुका है। पटना सिटी में करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 अनुयायियों की याद में मनाया जाने वाला चेहल्लुम के मौके पर पटना सिटी के कई इलाकों से अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला। बघा में गांव समेत नगर से निकला चेहल्लुम पर ताजिए के साथ भव्य जुलूस, आग के गोलों वाले लुकार से भिड़ते हुए दिखे नदी। दुमका की लाइफ लाइन मानी जाने वाली हिजला जलापूर्ति योजना पिछले 2 महीनों से बंद है जिससे कि लोगों को पानी के लिए काफी परेशानी हो रही है। 56 साल पुरानी हिजला जलापूर्ति योजना को दोबारा शुरू करने की योजना अभी फाइलों में ही पड़ी हुई है। हजारीबाग में ट्रक मालिकों ने समाहरणालय परिसर में धरना दिया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। ट्रक मालिकों ने बताया कि उनकी गाड़ियों को हजारीबाग में चलने नहीं दिया जाता है और विरोध करने पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। कराची में महिला से बदमाशों ने की 1.5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब बैंक से पैसे निकालकर महिला घर जा रही थी और तभी महिला के साथ ये लूट हुई है। पाकुड़ सदर प्रखंड में विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग शिविर लगाया गया। बीडीओ रोशन कुमार शाह ने इसका उद्घाटन किया। शिविर में दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही दिव्यांगों को उनके हक और अधिकार के बारे में भी बताया गया। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को लेकर झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। मामला 4 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार का फोटो और पहचान सोशल मीडिया में वायरल किए जाने के मामले से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस निदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष आरती कुजूर ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि दुष्कर्म पीड़ित उसके परिवार का फोटो और पहचान उजागर करने वाले विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पर पॉस्को एक्ट, आईपीसी एक्ट और जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। गढ़वा में शौचालय निर्माण के काम में भारी अनियमितता बरती जा रही। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय निर्माण में सीमेंट बालू की जगह मिट्टी की जुड़ाई की जा रही है। इन्हीं भी 2M दर्जे की इस्तेमाल की जा रही है जिससे कि खुले में शौच मुक्त अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरे होने के बाद भी झारखंड के कई इलाकों के ग्रामीण गरीबी की मार झेलने को मजबूर है। यहां तक के लोग जमीन से मिट्टी निकालने के बाद उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने में जुटे हुए हैं। राज्य सरकार की योजना इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। रांची में रसोईया संघ का आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि 15 मांगों को लेकर राजभवन के सामने रसोईया संघ का धरना जारी है। वहीं कल रसोईया संघ की महिलाओं ने रांची में जमकर प्रदर्शन किया और सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। सिमलेगा शहर में 3 जगहों से पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 5 संपत्तियों को जब्त किया गया है। कुल 5 संपत्तियों में 1 एकड़ 42 डिसमिल जमीन और मकान शामिल है। पाकड़टांग प्रखंड में ईडी की टीम ने 2 जगह जमीन जब्त की। ईडी ने कुल 4 एकड़ 14 डिसमिल जमीन को जब्त किया। हालांकि इस मुद्दे पर एनोस एक्का की पत्नी ने फोन कर बताया कि ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल चुका है, जल्द ही इसी कॉपी अधिकारियों को दी जाएगी। फिलहाल पैरा टीचर्स की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने एक मानव तस्कर को पलियादाहा गांव से पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर पाकुड़िया थाने लाया गया जहां उसे पुलिस को सौंप दिया गया। रांची में रेलवे डीआरएम ने रांची लोहरदगा टोरी रेल लाइन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के लिए डीआरएम स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। इस दौरान ट्रैक ओवरहेड स्टेशन कॉलोनी और ब्रिज का निरीक्षण किया गया। रांची में सवर्ण समाज के बंद का ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि पुलिस ने अल्बर्ट एक्का चौक समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी थी। एसटीएससी कानून में हुए संशोधन के खिलाफ बुलाए गए बंद का व्यापक असर गुमला में देखा गया। आम दिनों की तरह मंगलवार को भीड़भाड़ वाले साप्ताहिक बाजार में बंदी के चलते बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बेटा के नेवरा ओपी थाना क्षेत्र में सीमेंट व्यवसायी की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के विरोध में पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है।
घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब सीमेंट व्यवसायी सुबह में दुकान खोलकर झाड़ू लगा रहा था। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के कोरीडी गांव में इन दोनों जलसहिया शहनवाज बेगम लोगों के बीच स्वच्छता का आलग जगा रही हैं। खुद गांव की गलियों में घूम घूम कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। 6 सदस्यों की आईएएस प्रशिक्षु की टीम हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड पहुंची, जिसका मकसद गांव की समस्याओं, ग्रामीणों के क्रियाकलाप के साथ उनके मनोभावों को भी समझना है। इस मौके पर प्रशिक्षु आईएएस ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के साई मंदिर रोड स्थित साई मंदिर में चोरों ने भगवान पर ही हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ है और शीशे भी टूट चुके हैं। धनबाद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस की जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हजारीबाग के ईचाक प्रखंड के देवरिया गांव में एक परिवार को राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई इसके सुध लेने वाला नहीं है। परिवार वाले राशन कार्ड के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। कोडरमा चतरा और पलामू सीट पर आरजेडी ने दावा पेश किया है। आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि उनकी पार्टी ने तीनों सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। फिलहाल गठबंधन में शामिल सभी दलों से इसे लेकर बात की जाए। गिरिडीह में भी SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, सवर्ण समाज के लोगों ने मामले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में लोग सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे। रांची के रेलवे स्टेशन में आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब राज्य महिला आयोग की टीम दिल्ली से रेस्क्यू की गई लड़की के इंतजार में खड़ी रही और लड़की को रांची स्टेशन से पहले मुरी स्टेशन पर ही उतार दिया गया। दरअसल दिल्ली के वसंत विहार इलाके से रेस्क्यू की गई लड़की को दिल्ली महिला आयोग की टीम को राजधानी एक्सप्रेस से रांची लाने की सूचना मिली थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन पहुंची इसमें रेस्क्यू की गई लड़की सवार नहीं थी और उस पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। बोकारो के जसीडीह थाना क्षेत्र में एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना देर रात की है। बताया जा रहा है कि तेतरिया डीप निवासी रघुनंदन सिंह जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर घर ले जाने लगे, उसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। धनबाद में बालू माफिया पर कार्रवाई जारी है और सीकड़ी में पुलिस ने बालू से लदे ट्रैक्टर जब्त किए। पकड़े गए सभी ट्रैक्टर के मालिकों पर खनन अधिकारी जांच करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में स्वस्थ भारत यात्रा को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज भी उपस्थित रहे। धनबाद के मंगलम गार्डन में छात्राओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए मिशन साहसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे धनबाद जिले से लगभग 700 छात्राओं ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, नक्सलियों की फायरिंग में एक SI और कांस्टेबल शहीद। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में 2 जवान भी घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में एक मीडियाकर्मी की भी मौत, निलवाया इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने कुछ दिन पहले पत्रकारों के लिए प्रेस रिलीज जारी किया था, पत्रकारों से बेखौफ रिपोर्टिंग करने को कहा गया। दंतेवाड़ा नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस का रमन सिंह सरकार पर हमला, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कायर और डरपोक रमन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच करने वाले CBI ऑफिसर AK बस्सी की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, ट्रांसफर ऑर्डर को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव किया, कहा पटाखे जलाने का वक्त राज्य तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे 2 घंटे से ज्यादा ना जलाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पटाखे जलाने का वक्त 8 बजे से 10 बजे तक तय किया था। पनामा लीक मामले में शिवराज सिंह के बेटे का नाम लेने पर राहुल गांधी की सफाई, का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे के नाम को लेकर हुआ कंफ्यूजन। अपनी सफाई में राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों में इतने घोटाले हुए हैं कि उन्हें कंफ्यूजन हो गया। राहुल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि शिवराज सिंह तो व्यापक घोटाले में शामिल रहे हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को शिवराज के बेटे कार्तिकेय के पनामा घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर शिवराज ने मानहानि का केस करने की धमकी भी दी थी।
शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय ने भी राहुल के बयान पर एतराज जताया। कार्तिकेय ने राहुल को माफी मांगने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मध्य प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी का बाबा साहेब की जन्मस्थली महू जाने का कार्यक्रम। खरगोन और झाबुआ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राहुल ने उनके मंदिर दर्शन पर बिठाए जा रहे बीजेपी के सवालों पर भी जवाब दिया। मंदिर में दर्शन क्या सिर्फ पीएम और अमित शाह का दिखा रहे। इंदौर में राहुल गांधी का दिखा कैजुअल अवतार। सोमवार को रोड शो के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के साथ आइसक्रीम का उठाया लुत्फ। आइसक्रीम पार्लर में राहुल गांधी गहरे रंग की टी शर्ट पहनकर पहुंचे। राहुल ने अपने हाथ से एक बच्चे को भी आइसक्रीम खिलाई। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से मायूस योगी आदित्यनाथ। कहा, देश की न्यायपालिका का सम्मान है लेकिन न्याय में देरी होती है तो निराशा होती है। योगी ने कहा, हम भी संवैधानिक बाध्यताओं से बंधे हुए हैं, समाधान के लिए व्यापक विचार विमर्श कर रही है सरकार। योगी की संत समाज और राम मंदिर समर्थकों से अपील। कहा, सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुश्किल हालात में धैर्य नहीं खोना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की संख्या कम होती है, वहां सामाजिक समरसता कम होती है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के सब्र की सीमा अब टूट रही है। हिंदू संगठनों ने फिर उठाई राम मंदिर निर्माण की मांग। राम मंदिर पर सरकार से अध्यादेश लाने को कहा। राम मंदिर पर आरएसएस, वीएचपी और शिवसेना की मांग। सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण की परेशानी को दूर करे। राहुल गांधी की शिवभक्ति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, जो रामद्रोही वो शिवभक्त नहीं, अगर हिंदू है तो राम के मंदिर बनाने के लिए सामने आए। गिरिराज सिंह ने कहा, राम मंदिर पर 72 साल से हिंदू को ठगा जा रहा है। नेहरू ने अगर काशी अयोध्या का निपटारा कर दिया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। मुंबई के केशव सृष्टि संस्थान में आरएसएस की अहम बैठक। कल से होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक पर चर्चा। आरएसएस की बैठक में वीएचपी नेताओं समेत 200 लोग मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका। तेंदुखेड़ा से विधायक संजय शर्मा कांग्रेस में शामिल। मध्य प्रदेश में नए लोगों को बीजेपी दे सकती है मौका। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नए लोगों को भी मिले टिकट। लखनऊ में शिवपाल यादव के साथ फिर नजर आए मुलायम सिंह यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के ऑफिस पहुंचे। शिवपाल ने मुलायम सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया। मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद टीटागढ़ इलाके में तनाव की आशंका। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। आज शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। कल पटेल जयंती के मौके पर होना है सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विरोध में उतरे विधायक जिग्नेश मेवाणी। कल दक्षिण गुजरात बंद का ऐलान किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के मौके पर यूपी से भी जुटेगी भीड़। वाराणसी से पटेल फाउंडेशन ने 18 बोगियों की स्पेशल एकता ट्रेन को रवाना किया। एकता ट्रेन को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिखाई हरी झंडी। मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और झांसी से होते हुए वडोदरा तक जाएगी। भारतीय सेना का पाकिस्तान को करारा जवाब। पीओके में पाक सेना के प्रशासनिक मुख्यालय को किया गया ध्वस्त। सेना ने 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ और झल्लास में पाकिस्तानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। सेना के कदम से आतंकियों के लॉन्च पैड का भी सफाया हुआ। पीओके में भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। सेना ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक सेना ने पीओके के खुरत्ता और सामानी इलाके के करीब हमला किया था। बॉर्डर से सटे गांव में गोलाबारी के बाद धुआं भी उठता दिखाई दिया। श्रीनगर में बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने किया हमला, 5 जवान घायल। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने की पूरे श्रीनगर की नाकाबंदी। आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े इलाके में चलाया जा रहा था ऑपरेशन। श्रीनगर के पास पुलिस ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पुलिस के रोकने के बाद भी भाग रहे थे संदिग्ध।
आतंकियों का हवाला फंडिंग को लेकर श्रीनगर में कारोबारी फयाज अहमद के घर एनआईए की छापेमारी। दो हफ्ते पहले दिल्ली में भी कश्मीरी मूल के शख्स के घर से मिला था भारी कैश। और 100 शहर 100 खबर में इतना ही, आगे बढ़ते हैं कुछ और खबर।